और डिसाइड नहीं किए कि कौन सा मंदिर हम लोग जाएंगे। देखिए अतुल का नखरा स्टाइल से, हाँ स्टाइल से यही रोल लड़की लोगों का। अतुल असमंजस में, इसका जूता नहीं भीगना चाहिए, कैसे पार होगा ये? जरूर मम्मी के लिए लेने के लिए आए होंगे। अरे बच्ची गिर गई यहाँ पर। तो मैडम यहाँ जो है झरना के पास में। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है शिवरात्रि है, फिलहाल हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं मंदिर के और डिसाइड नहीं किए कि कौन सा मंदिर हम लोग जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर कर सकते कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। और चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के अंत तक और आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि चाची लोग साथ में हम लोग के साथ जाने वाली है। और इधर वाइफ भी पूरा बन ठन के तैयार है जल्दी से जल्दी पूजा करने के लिए। तो हमारी मम्मी जो है साथ में नहीं जा रही, क्योंकि उनका तबीयत अचानक ख़राब हो गया कल रात से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चाईबासा का मौसम कैसा है। इधर हम लोग का देखिए फरारी तैयार हो गया है, साक्षी भी कुमारी भी पूरी तरह से तैयार है। और हम लोग डिसाइड कर लिए कहाँ जाना है। सूर्जाबासा जाएंगे हम लोग। और यहाँ पर अतुल भी आ गया है, देखिए पूरा फैमिली अब हम लोग रेडी हैं। तो झिक पानी जाते हुए रोड में हम लोग राइट कर लिए हैं। सूर्जाबासा इस ओर से ही जाया जाता है, तो राइट साइड रोड हम लोग पकड़ लिए हैं। और सीधा हम लोग को नहीं जाना है, बल्कि ये फाटक क्रॉस करके जाना है। तो सूर्जाबासा यानी कि सिंह पोखरिया एरिया पड़ता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि राइट साइड रोड पकड़ते हुए आपको आ जाना है। यहाँ से फिर बिल्कुल रोड जो बिल्कुल साफ और सीधा मिलेगा आपको। और सूर्जाबासा जो स्थान है वो शिवलिंग जो है वहाँ का मतलब प्राकृतिक रूप से खुद से निकला था। और लगभग एक साल हो गया मेरा गया हुआ वहाँ पर, तो हम बहुत ही उत्सुक है, जल्द से जल्द वहाँ जल चढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ पर आपको सिंह पोखरिया रेलवे स्टेशन भी दिख जाएगा। सूर्जाबासा चाईबासा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और हम लोग छोटों में निकल पड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि पानी वाला रोड जो है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन जैसे सूर्जाबासा के लिए हम लोग राइड करते हैं, वैसे रोड जो है बिल्कुल फाइन आपको मिल जाता है और समय का खपत भी कम होता है। सूर्जाबासा जहाँ स्थान है, जो पुराना स्थान है वो तो बदल दिया गया है, वहाँ नहीं जाएंगे, नया स्थान पे उनको प्लेस कर दिया गया है, वहीं पर जल चढ़ाएंगे हम लोग। कैसा लग रहा है? फुल मस्ती। हाँ। अतुल का तो फुल मस्ती है। और हम कितना साल बाद जा रहे हैं? हम 6 महीना बाद। मैडम तो पहली बार जा रही है। और साक्षी कुमारी कितना साल हो गया? पानी बोतल अंदर। तो पूरा हवा चल रहा है जबरदस्त, और न गर्मी का एहसास है न ठंडा का एहसास, बहुत ही सुहाना मौसम भी है और काफ़ी मज़ा आ रहा है सभी को। और देखते हैं, शायद ऐसा पता चला है कि पुराने जगह पर यानी पुराने स्थान पर भी शिवलिंग है अभी भी, और वहीं जा कर के पहले देखेंगे कि अगर है तो वहीं पर हम लोग पूजा करेंगे। तो सूर्जाबासा जाने की ओर में इतना कच्चा रास्ता आपको मिलेगा राइट साइड, और वहीं से हम लोग घुस गए हैं। लेकिन देखिए अतुल का नखरा, लेकिन रोड इतना खराब है कि कहना मुश्किल है। फिर भी लोग बाइक में आना जाना कर रहे हैं, पता नहीं। तो इधर ही हम लोग के सामने रोकना होगा, क्योंकि नीचे उतरने का साधन नहीं है, क्योंकि रोड जो बेहद ख़राब है, टोटो जा नहीं सकता। चलिए चलिए अब यहाँ से पैदल चलिए। ठीक है रामू चाचा, इधर टोटो लगा करके आएंगे हम लोग, तब तक बढ़ते हैं। और उधर मैडम आगे बढ़ चुकी है, और हम और अतुल झोला लेके जा रहे हैं, पूजा का सामान वगैरह इस पर है। और रोड देखिए कितना ख़राब है, गाड़ी उतरने लायक नहीं है, फोर व्हीलर भी नहीं उतारे,
क्योंकि फिर चढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, स्किड करेगा गाड़ी। इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पहले तो फोर व्हीलर भी नीचे चला जाता था आराम से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ आसपास के गांव के मुखिया और सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। और मैडम तो पहली बार जा रही है टोकरी उठा के, चाची भी मस्त टोकरी उठाई हुई है, देखिए आगे क्या। और जब जब ये हील पहनती है तब तक हम लोग को ऐसे रास्ता मिलता है। अब हमेशा मना करते कहीं जा रहे हैं तो हील ना पहने, लेकिन सुनने की नहीं बोलते हैं खैर देते नहीं घर के। अच्छा, एक तो पतला वाला चप्पल है उसको, पतला वाला सैंडल है, जूती है, लेकिन उसको नहीं पहनेंगे। स्टाइल से, हाँ स्टाइल से, यही रोल लड़की लोगों का परंपरा है। ये गाड़ी कहाँ से उतर गया भाई, एक तो बड़ा गाड़ी है। देखिए अगर आपको बड़ा गाड़ी है तो आप नीचे तक ला सकते हैं, क्योंकि चढ़ाने में आसान होगा, लेकिन अगर छोटा गाड़ी है तब दिक्कत है, बाइक को भी ला सकते हैं। झरना है, झरना तो लगता है काफ़ी भीड़ है, क्योंकि काफ़ी सारा बाइक यहाँ दिख रहा है। और आसपास देखिए पेड़ सब भी काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं। हाँ चलिए, वो आ रहे हैं। ये तो अतुल है, चलिए चलो बढ़िया। ओ भाई काफी भीड़ है यहाँ पर। देखिए सूर्यावासा में कितना भीड़ है, खासकर महिलाओं का। और ये लाइन जो है पूरी तरह से घूमकर नीचे की ओर जा रहा है, वहाँ से सभी लोग जो है पानी जल उठाकर ला रहे हैं। तो मैडम तो पहली बार आई है, पानी देख के इसका दिल खुश हो गया है, हम जान गए हैं तो नीचे जाने का पूरा फिराक है। पहले पूजा कर लेते फिर नीचे हम लोग जाएँगे, है ना। भीड़ है कि पूजा करना काफ़ी दिक्कत हो गया है, लेकिन बाबा के नाम पे पूजा तो हो गई। जल्दी जल्दी करिए, बाकी लोग बहुत कोई लाइन में लगा हुआ है। पहले पूजा कर लिया हम लोग, काफी भीड़ भाड़ हो गया था।
पूरा गर्मी भी लग रहा था तो साइड निकल के हम लोग रिलैक्स हो गए हैं, पूजा हो गया है। और चलिए अब नीचे चलते हैं झरना दिखाने के लिए। इधर मम्मी और आंटी भी आ गई है। मम्मी आंटी यहाँ पर आ गई है, देखिए सरप्राइज हो गए हम लोग भी। पूरा भीड़ है, नीचे तक जाना होगा लाइन के लिए। यहाँ का नंबर देके और आगे भागिएगा। मम्मी लोग सरप्राइज दे दिया यहाँ सिंह पोखरिया में आकर। तुम लोग बोलो डोंका सही जा रहे हैं। कहाँ अचानक अचानक भाग रहे हैं। जय श्री पूजा की जय। और भीड़ पानी कहाँ से पानी जा रहे हो अचानक प्रकट हो गई। देखिए कितना छा भी आते तभी तो हो जाता। अतुल क्या बोल रहा है, अचानक प्रकट हो गए देवी माँ। तो हम लोग साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं झरना की ओर, क्योंकि सामने वाला जो रास्ता है वो जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे वही पानी नीचे की ओर बह रहा है, तो हम लोग का पांव से लंघाने का संभावना है, इसीलिए हम लोग साइड से जा रहे हैं। और ये साइड वाला रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, नीचे देख कर चलिएगा। ये पेड़ देखिए, पेड़ देख के आपको 1920 फिल्म का याद आ जाएगा। नीचे देखना, नीचे देखिए, नीचे खाई भी है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर नीचे में, काफ़ी भीड़ लग रहा है आज। तो पगडंडी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। और मैडम यहाँ कंधा पकड़ लिए, क्योंकि जो बेस है हम लोग का वो तो स्लीपर है। देखिए सारे भक्तजन यहाँ से पानी ढो रहे हैं, और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर सूर्यबासा वाले झरने का। ओ भाई, अच्छा लाइन अभी कम हो गया, लाइन वहाँ सीढ़ी तक लाइन था तभी जब हम उतरे थे पानी लेने। ये देखिए यहाँ पर सभी मस्ती करते हुए। देखो भाई मैडम तो शानदार तरीके से पार हो रही है। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। जाना ऊपर वहाँ रखो। नीचे देखे कितना डेंजरस। जूता नहीं खोलने पड़ेगा, आया तो नहीं आता। कैसे तार हुआ, ऐसे तार हुआ। अतुल असमंजस में, किसका जूता नहीं भीगना चाहिए, कैसे पार होगा। चलो तेरा आइडिया है यदि लगी जगह में, एक पाँव पहले रखो, धीरे से कूदना नहीं, एक पाँव रखो धीरे से वहाँ रखो। फाइनली अतुल को जूता खोलना ही पड़ा। रामू चाचा यहाँ फिर से आ गए हैं जल लेने के लिए, जरूर मम्मी के लिए लेने के लिए आए होंगे। अरे बच्ची गिर गई यहाँ पर। पाँव में चोट लग गया लग रहा है। चलिए ऊपर का भी नज़ारा हम लोग देख लेते हैं। एक डेढ़ साल बाद हम आए हैं इधर, और बहुत ही मज़ा लग रहा है। कुछ फैमिली उधर पिकनिक बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कई लोग जो है ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं। गांव के वासी जो है यहीं पर आते हैं नहाने वाले के लिए। पानी फिलहाल कम है, वरना यहाँ से भी पानी गिरता है बहुत। चलो तुमको तो मज़ा लग रहा है पूरा। ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ, ए ऊपर मत जाओ, ये रहा झरना के पास। तो मैडम यहाँ जो है झरना के पास में मजा ले रही है, आनंद ले रही है पूरा सीन का। क्या नज़ारा है,
और लग रहा है चाचा उधर से इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं हम लोग को। हो गया, तुम लोग रील्स बना लिया? अच्छा चलो ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा, लेकिन ये जो ब्लॉग है एक दिन या दो दिन बाद डालेंगे, क्योंकि शिवरात्रि का जो बराती है उसको हम पहले डालेंगे। तो काफ़ी मस्ती कर लिया हम लोग, फोटो वगैरह रील्स वगैरह बना लिए हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम अगर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया जरूर देते हैं हर वीडियो पर। अतुल परेशान है, उसका टीका उल्टा लगा दिया गया है, उल्टा नहीं टेढ़ा मिटा दिया। तो ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें। हम लोग का मस्ती अभी भी जारी है, आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन यानी लाल बटन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो से पहले हम शिवरात्रि यानी बराती वाला वीडियो जो है उसको पहले डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।